असलम व्यूअर्स दिस इज़ माजद सलीम खान फ्राम समिट स्टेट एंड बिल्डर्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स मैं आज जिनवा मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आया हूँ आज मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में इसके लीगल स्टेटस के बारे में डेवलपमेंट के स्टेटस के बारे में और इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट और रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स उसके बारे में आज इनशाला आपको मैं गाइड करूँगा सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लें तो लाहौर की बेस्ट लोकेशन पर यह लोकेटेड है एम एम आलम रोड से एक मिनट की ड्राइव पे, लिबर्टी मार्केट से दो मिनट की ड्राइव पे, एडजेसन टू हो, होटल वन ऑपोजिट टू अल्फ़ मेन कसूरी रोड गुलबर्ग थ्री में ये लोकेटेड है ऑलमोस्ट आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे आज से 16 साल पहले ये मॉल का कल्चर लाने वाले जनवा मॉल था और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन है इससे पहले लाहौर में कोई भी मॉल एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये पाइनीज़ में से थे और जो कॉरपोरेट कल्चर है उसको भी ये फर्स्ट टाइम प्रमोट कर रहे हैं ये फर्स्ट एवर पर्पस बिल्ड कॉरपोरेट ऑफिस हैं लाहौर में जो आपको मिलने जा रहे हैं इसके अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो ये एल डी ए से अप्रूव्ड रजिस्ट्री की ऑप्शन के साथ बेस्ट अमेनिटीज़ के साथ यहाँ पे आपको ऑफिसिज़ ऑफर किए जा रहे हैं अमूनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जिम की फैसिलिटी मिल रही है टम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल मिल रहा है सोाना मिल रहा है साथ ही साथ आपको रूफ टॉप रेस्टोरेंट मिल रहा है डे केयर सेंटर मिल रहा है मॉस्क मिल रही है और डेडिकेटेड पार्किंग प्लस वेले सर्विस आपको यहाँ पे मिल रही है तो लाहौर की पहली पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है जिसमें अब आपको अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो फिफ्थ फ्लोर से लेके फोटी फ्लोर तक ये एक्सटेंशन ऑफर हो रही है फोर्थ फ्लोर तक ऑलरेडी जो मॉल है वो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें जो फिफ्थ फ्लोर है वो रेडी फॉर पोजेसन है फोर्टी परसेंट पेमेंट करें फॉरि पोजेसन ले लें रिमेनिंग अमाउंट आपने थ्री इयर्स में पे करनी है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह की डील भी आपको एटलीस्ट गुलबर्ग जैसे एरिए में आपको यहाँ पर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा होगा और कमर्शल प्रॉपर्टी में आपको इस तरह की ऑपर्चुनिटी मिल रही है तो अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स में देखें फिफ्थ फ्लोर को या हम रेंटल कॉन्टेक्स में देखें तो आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट पोजेसन मिल रहा है थ्री इयर्स अगर आप इसमें रेंट जनरेट करते हैं तो रेंटल जो इनकम है वो आपकी कंपनसेशन हो जाएगी इंस्टॉलमेंट में तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आपको ये करेगा वो अराउंड थर्टी टू थाउजेंड पर स्क्वायर फीट करेगा एक तो आपको ये इसकी जो प्राइस है वो बहुत रीजनेबल है हमारे साथ जो कंपटिटर्स हैं इस वक्त जो होटल अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं बिल्कुल हमारे एडजेसेंट जेसेंट है वो इस वक्त सेम फ्लोर का फिफ्टी एट थाउजेंड पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं इसी के साथ साथ अगर आपका ऑफ़िस है किसी और लोकेशन पे जहाँ पे आप रेंट पे करें डी एच ए में या गुलबर्ग में इवन आप अपना ऑफिस यहाँ पे मूव करें 40 परसेंट पेमेंट करें और जो वहाँ पे रेंट पे कर रहे थे यहाँ पे आप उसको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे करें आपकी विद इन थ्री ईयर्स आपकी कमर्शल प्रॉपर्टी बन जाएगी और लाहौर की बेस्ट लोकेशन पर बन जाएगी तो फिफ्थ फ्लोर रेडी फॉर पोजेसन है फोटी इसकी जो प्राइस है पर स्क्र फीट वो फोर्टी है व्यूर्स नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट की डिगिंग स्टार्ट होती है और प्रोजेक्ट बिकना शुरू हो जाता है लोगों के पैसों से डेवलपमेंट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते पाँच साल सात साल आठ साल इतना टाइम लग जाता है इतनी तैयारी तक पहुंचते पहुंचते यहां पे हम इस वक्त को पाँच से छः अरब की तैयारी पर ऑलरेडी इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इन डिवेलपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा हमें यहाँ से होता है कि इस वक्त टेंथ फ्लोर का लेंटर डाल रहा है और लास्ट मंथ अक्टूबर में हमने ट्वेंटी सेकेंड को इसको लॉन्च किया था डेवलपमेंट पहले हुई है और प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च हुआ है यहाँ पे हमें रेडी फॉर पोजेसन भी ऑफिस मिल रहे हैं और ग्रे स्ट्रक्चर आप मेरी जो लास्ट वीडियोज़ हैं मैं हर हफ़्ते इसमें वीडियोज़ बनाता हूँ आप देखेंगे कि उसमें आपको हर हफ़्ते चेंजिंग नज़र आएगी डेवलपमेंट को लेके इसके अगर हम ऊपर आ जाते हैं सिक्स ए और सिक्स बी ये दो फ्लोर्स पे आपको अमेनिटीज़ मिल रही हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल डे केयर मॉस्क जिम रूफ टॉप रेस्टोरेंट ये ये अमेनिटीज़ आपको सिक्स ए और सिक्स बी फ्लोर पर मिल रही हैं ये भी डेवलपर्स की तरफ से आप कह लेंगे सेक्रीफाइस कह लें या कॉम्प्रोमाइज़ कह लें कि दो फ्लोर्स उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ये सारी अमेनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को जो कि आप कह लेंगे चालीस से पचास करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बनती है तकरीबन अगर हम इसको इसको भी हम ऑफिसज़ में यूटिलाइज़ कर लें तो ये भी बहुत बड़ा प्लस है इसके ऊपर आ जाता है सेवन अप टिल थर्टीन फ्लोर जिसमें आपको जो प्राइस ऑफर की जा रही है वो थर्टी फाइव थाउजेंड पर स्क्वायर फीट है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप फोर्टी फाइव थाउजेंड का रेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हमारे अलहद ला ऑफिस भी बुक हो गए और एक आधा बनना भी शुरू हो गया जो सबसे बड़ा यूनिट था फिफ्थ फ्लोर पर नाइन फोटी स्क्वायर फीट वो भी अलहमद वो हमारा सोल्ड आउट है और अगर हम इससे ऊपर वाले फ्लोर में लेते हैं तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे पोजेसन रेडी है इस वजह से आपको फोर्टी फाइव थाउजेंड चार्ज किया जा रहा है फिफ्थ फ्लोर पे और ऊपर वाले फ्लोर में अप अप्रिल थर्टीनथ में उसमें अभी ग्रे स्ट्रक्चर बना है तो टेंथ फ्लोर तक जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है टेंथ फ्लोर का लेंटर डल रहा है हम अगर वर्ष के सनैरियो ले लें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें एक रुपये का भी गेन नहीं आया ऑलरेडी रेट इस्टिश हो गया फोर्टी का ऊपर आपको थर्टी में मिल रहा है 35,000 वाले में अगर हम सबसे छोटा यूनिट लेते हैं 480 एटी स्क्वेयेर फीट का उसको हम मल्टीप्लाई कर दें टेन थाउजेंड के साथ तो ये 48 लाख रुपए बनता है सीधा सीधा प्रॉफ़िट विद इन टू ईयर्स जो आपको मिलने जा रहा है और अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें जो कि हम देख भी रहे हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं चीज़ें पेट्रोल प्राइस भी नीचे आ रही हैं और नियर फ्यूचर में आपको इलेक्शन भी होते हुए नजर आ रहे हैं तो इसकी जो प्राइस है बाय द टाइम आपका पेमेंट प्लान जब कंप्लीट हो रहा है थ्री इयर्स में ये कोई ख़्याली पुलाव या आप कह लें कोई सब्ज़ बाग नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेचने के लिए ये इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे होटल अपार्टमेंट्स पर बिक रहे हैं और वहाँ पे 58,000 पर स्क्वायर फीट का रेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया सेम फ्लोर्स पे और वहाँ पे अभी पोजेसन नहीं है और गुलबर्ग जैसे कि आपको पता है कि ये इसको डाउनटाउन ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुके हुए हैं और जैसे ही इसकी जो आप कह लें कि काम उसकी तरफ शुरू होता है जिस तरह सी भी बन रहा है और फ्यूचर प्लान में आपको यहाँ से डायरेक्ट मोटर की भी एक्सेस मिलने जा रही है प्लस आपको जो आपकी जो एम एम आलम रोड है उसको वन वे करने जा रहे हैं तो जैसे ही इस प्लान पे इंप्लीमेंटेशन होना शुरू होती है तो इसकी प्राइसेस इससे भी ऊपर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट एज वेल एज़ आप कह लें कि रेंटल इनकम अगर कोई इन्जॉय करना चाह रहा है दोनों कॉन्टेक्स्ट में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है वन टाइम अपॉर्चुनिटी है लिमिटेड सी इन्वेंट्री है फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में मिलेगी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं या आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज